हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। फैमिली लॉ हम लोग कर रहे हैं एंड यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द कोपार्सनरी। ठीक है जी, पिछले कल हमने लेक्चर जो किया था वो कोपार्सनरी पे था। ठीक है, कोपार्सनरी में हमने मेंशन किया था कि फादर और उसके जो थ्री लिनन डिसेंडेंट्स हैं, सन 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 एंड सन सन सन, वो चार पीढ़ियाँ जो होती हैं बेसिकली वो हम लोग कोपार्सनर मानते हैं एंड दे हैव अ राइट ओवर द प्रॉपर्टी। उनका प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है। दो बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक तो जब हमने जो जॉइंट फैमिली किया था हिंदू जॉइंट फैमिली, जब हम हिंदू जॉइंट फैमिली के रिगार्डिंग हम लोग बात करें तो हम लोग पूरी फैमिली के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे। लेकिन जब मैं कोपार्सन की बात कर रहा हूँ तो एक बात है कि वहाँ पे मैं सिर्फ प्रॉपर्टी के बात रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोपार्सन का जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही बेसिकली हमने होंद में आया है। क्योंकि जब प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं तो कोपार्सनशिप का कंसेप्ट आता है हमारे लिए। ठीक है, तो कल हमने कोपार्सन किया था, आज हम लोग मिताक्षरा एंड दयाभागा कर रहे हैं। ये दीज आर द टू स्कूल्स, मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल। ठीक है, ये ज़्यादातर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में ज़्यादातर दयाभागा पाया जाता है। इन तीनों स्टेट के अलावा छोड़ के बाकी सारे इंडिया में मिताक्षरा जो स्कूल है वो जो अप्लाई होता है। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम लोग कोपार्सन की हम लोग बात कर रहे हैं वो कोपार्सन का कंसेप्ट है, वो सिर्फ मिताक्षरा में है। मिताक्षरा स्कूल में ही सिर्फ कोपार्सनशिप का कंसेप्ट पाया था, यहाँ पर कोपार्सनशिप का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, मैं साथ में मिताक्षरा के साथ में आपको डिस्टिंग्विश भी करता रहूंगा कि बेसिकली दयाभागा और मिताक्षरा में फर्क क्या है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिताक्षरा से। हमने कल किया था कि बेसिकली जो कोपार्सनर है वो जो हमारा कॉमन मेल एंसेस्टर होता है वो, दैट मीन्स फादर, सन 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 एंड सन सन सन, फादर, उसका बेटा, बेटे का बेटा और बेटे के बेटे का बेटा, मीन्स बेटा उसका फादर पोतरा आ गया और उसका परपोतरा आ गया, हम लोग ये कह सकते हैं। तो ये जो है ये कोपार्सनर है। ठीक है जी, दे आर द कोपार्सनर। और अगर हम लोग कोपार्सनर की बात कर रहे हैं तो इनका बाय बर्थ इन प्रॉपर्टी में राइट है। मिताक्षरा की सबसे खासियत क्या है कि ये जो कोपार्सनर्स हैं ये इनका बाय बर्थ राइट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे जो फैमिली में किसी लड़के ने या लड़की ने बर्थ लिया, मीन 2005 के बाद की बात कर रहा हूँ, ये क्योंकि डॉक्टर जो है बेसिकली वो कोपार्सनर है आफ्टर 2005 के अमेंडमेंट के बाद। नाउ आफ्टर 2005 अगर कोई सन और कोई डॉटर का बर्थ होता है फैमिली में, हिंदू जॉइंट फैमिली में, अगर उनकी सेस्टर प्रॉपर्टी है तो वो डेफिनेटली वो क्या है, बेसिकली कोपार्सनर है। और कोपार्सनर होने के रिगार्डिंग उनका बाय बर्थ उस प्रॉपर्टी पे राइट है। इफ द फादर हैज अ 10 एकर लैंड और उसकी अगर 10 एकर लैंड है फादर की, तो उसके अगर हम लोग सन और बेटे की बात करें तो वो दो सन है, दो डॉटर है, तो टोटल कितने हो गए इंक्लूडिंग फादर, 5 हो गए। तो 5 जो है वो बेसिकली कोपार्सनर्स है, दे आर कोपार्सनर। अगर हम कोपार्सनर की बात करें तो 5 के रिगार्डिंग तो प्रॉपर्टी 10 एकड़ है, दैट मींस 2 एकड़ लैंड पर पर्सन आई। लेकिन वो 2 एकड़ लैंड कौन सी आउट ऑफ 10 में वो हमें नहीं पता, क्योंकि पार्टीशन ही हुई अभी। हमारा इतना पता है कि हमारा 2 एकड़ जो लैंड है उस जो इंटरेस्ट है उस आउट ऑफ 10 एकड़ लैंड में हमारा 2 आउट बेसिकली इंटरेस्ट है हमारा। तो ये तो हमें पता है कि हमारा इंटरेस्ट है 2 एकड़ लैंड में, लेकिन वो 2 एकड़ लैंड कौन सी ये नहीं हमें पता, क्योंकि वो कॉमन लैंड है अभी। ठीक है जी, तो कॉमनली हम लोग यूज कर रहे हैं उसको। तो जब तक वो पार्टीशन नहीं हुई थी तब तक, मींस जब तक वो कोपार्सनशिप एग्जिस्ट कर रही है, वो जो प्रॉपर्टी है वो पूरी फैमिली की है, वो फैमिली कौन है, कोपार्सनर। ठीक है जी, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अंडर द मिताक्षरा स्कूल इज दैट बाय बर्थ उनका राइट हो जाता है। जैसे ही किसी डॉटर ने या किसी सन ने जन्म लिया तो वो कोपार्सनर बन गया, और कोपार्सनर होने की वजह से उसका उस प्रॉपर्टी में बाय बर्थ राइट आ गया, बाय बर्थ राइट। सेकेंड, अगर हम यहाँ पर बाय बर्थ राइट की बात करें तो यहाँ पर दयाभागा में कोपार्सनरशिप का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर जो फादर है वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठा है, वो कहते हैं मैं मर गया तो प्रॉपर्टी आपको जब मिल जाएगी थ्रू सक्सेशन इनहेरिटेंस, आप जब तक मैं जिंदा हूं आप क्लेम नहीं कर सकते प्रॉपर्टी। ये दयाभागा कंसेप्ट है, यहां पर सबका इंटरेस्ट आ गया, एज दे ऑल आर कोपार्सनर सो दे ऑल हैव अ राइट ओवर द प्रॉपर्टी। बट इन दयाभागा ओनली द फादर हैज अ राइट, सिर्फ फादर के पास प्रॉपर्टी है, फादर के पास ही उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है
वो उसको जैसे मर्जी चाहे वो उसको डिसॉल्व कर सकता है। वो अगर चाहे गिफ्ट करना चाहते हैं तो गिफ्ट कर दे। तो दयाभागा और इसमें फर्स्ट ये है, यहाँ पर बाय बर्थ राइट है और दयाभागा में बाय बर्थ राइट कभी आता ही नहीं है। वो राइट कब आता है? आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। जैसे फादर की डेथ हुई उनकी जो प्रॉपर्टी है थ्रू इनहेरिटेंस बच्चों में डिवाइड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बाय बर्थ राइट है। फर्स्ट मिताक्षरा स्कूल और दयाभागा में डिफरेंस। सेकेंड, यहाँ पर ज्वाइंट पोजेशन और एंजॉयमेंट है। एज दे ऑल आर ऑनर As they are co-parcel, so definitely अगर co-parcel तो उनका उस प्रॉपर्टी पे राइट है। अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है तो वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे कॉमनली। सबका पोजेशन है, that means joint possession है। The all the co-parcels they have a possession, they have a right of possession over the joint family property। ठीक है। और possession के साथ साथ वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन दयाभागा में क्योंकि वो प्रॉपर्टी है ही फादर की है, आपका उस पर राइट ही नहीं है, तो वहां पर जॉइंट पोजेशन और एंजॉयमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं होता। जब तक फादर की डेथ नहीं होती और फादर की डेथ होगी तो प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी, तो वो जॉइंट कभी नहीं होती। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, क्योंकि वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, सबका राइट है, इसलिए वो सभी उस सभी पोजेशन में है और सभी उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं। थर्ड, राइट ऑफ मेंटेनेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। बीइंग एज अ कोपार्सनर वो उनका राइट है कि वो आपसे मेंटेनेंस कॉल कर लें, क्योंकि मैं कोपार्सनर हूं, अगर वो माइनर है तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। कल हमने जब बात की थी जॉइंट फैमिली की बात की थी हमने हिंदू जॉइंट फैमिली की, मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी थी कि जॉइंट जो हिंदू फैमिली है, हमारी हिंदू जॉइंट फैमिली है, वो नंबर ऑफ डिग्रीज तक एग्जिस्ट करती है, लेकिन कोपार्सनरशिप जो कोपार्सनर का कंसेप्ट है वो सिर्फ चार पीढ़ियों तक चलता है, फादर सन 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 एंड सन सन सन, उसके बाद कोपार्सनर नहीं है। जब तक फादर जिंदा है अगला जो फिफ्थ जो पीढ़ी हमारी फिफ्थ जनरेशन है वो ऐड नहीं होगी एज ए कोपार्सनर। मैंने कल आपको पूरा डीप में बताया था प्रॉपर रिगार्डिंग कोपार्सनर रिगार्डिंग। ठीक है, नाउ जो राइट ऑफ मेंटेनेंस है वो सारे जो जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स हैं उनका भी राइट है अलॉन्ग विद अ कोपार्सनर, सबका राइट है। यहाँ पर राइट ऑफ मेंटेनेंस तो है लेकिन वो उनका प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट नहीं है। यहाँ पर कोपार्सनर का प्रॉपर्टी पे राइट है इसलिए उनका राइट ऑफ मेंटेनेंस है। यहाँ पर जब तक माइनर है आपको मेंटेन करेगा फादर, और जब आप मेजर हो गए आपको लात मार के भगा देगा, चलो भाई निकलो यहां से, आपको मेंटेन क्यों करूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि उनका उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट जो मिताक्षरा स्कूल है उसमें हम लोग बात करें कोपार्सनरशिप की। जो कोपार्सन का कंसेप्ट है मैंने कल आपको बता दिया था कि जो कोपार्सन का कंसेप्ट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे किसी का बर्थ हुआ तो जो इंटरेस्ट है दूसरे कोपार्सन का वो कम हो गया, एक और बर्थ हुआ वो और कम हो गया, दो की डेथ हो गई आपका इंटरेस्ट बढ़ गया, आपका शेयर बढ़ गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वो दयाभागा में नहीं होता, वहां पर तो आपको मिलता ही नहीं है राइट। दयाभागा में फादर की डेथ है, आपको इतना पता है कि आपका शेयर फिक्स है, पता है कि अभी डेथ जो फादर है और फादर के बाद दो सन है। दयाभागा की हम लोग बात करें, फादर है एस है और एस वन है, ये दोनों बेटों को पता है कि फादर की डेथ के बाद हमें 50-50 शेयर मिलेगा, 50-50 मिलेगा इनको, ये फिक्स है हमारा। दयाभागा में जो इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी का फर्दर हम लोग बात करें, फादर की डेथ के बाद जो इंटरेस्ट हमें आना है, जो शेयर हमें आना है वो फ्लक्चुएटिंग नहीं है, वो फिक्स है। लेकिन मिताक्षरा में वो अनप्रेडिक्टेबल और फ्लक्चुएशन है, अनप्रेडिक्टेबल। आप सोच ही नहीं सकते कि आपका कितना इंटरेस्ट होगा उस प्रॉपर्टी में। ठीक है, लाइक सपोज यहां पर अगर हम ये ग्राफ को मिताक्षरा के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर मिताक्षरा के अकॉर्डिंग यहां पर तीन कोपार्सनर है, फादर सन एंड एस वन, और इसके रिगार्डिंग हम बात करें तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि वन थर्ड का शेयर है। लेकिन सपोज उसके बाद एक और सन का बर्थ हो गया, अब वो वन थर्ड का जो चापा शेयर था वो कम हो गया। ठीक है जी, तो वन फोर्थ हो गया आपका। सपोज अगर डॉटर का भी बर्थ हो गया तो और कम हो गया, आपका वन थर्ड से शेयर वन फिफ्थ हो गया, ये आपका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। जैसे जैसे बर्थ होते हैं तो जो कोपार्सन का है, जो कोपार्सन का इंटरेस्ट कम होता रहता है। जैसे इसकी डेथ हो गई एस वन की, एस की टू की, उनका शेयर बढ़ गया, अब वो बचे कितने हैं तीन, तो तीन के अकॉर्डिंग वन थर्ड आ गया, वन फिफ्थ से फिर वन थर्ड आ गया। तो ये जो इंटरेस्ट है आपका
ये जो इंटरेस्ट है ये अनप्रेडिक्टेबल है, आपको पता नहीं कि आपको जब तक आप पार्टीशन नहीं करते प्रॉपर्टी के लिए, आप पार्टीशन का क्लेम नहीं करते तब तक आपका इंटरेस्ट जो है वो फ्लक्चुएटिंग ही रहेगा। अगर आप पार्टीशन करवा लो तो आपका शेयर फिक्स है, ठीक है जी। क्योंकि सपोज यहाँ पर 5% है, सारे जिंदा है, डी ने कहा कि मुझे मेरी पार्टीशन का मुझे हिस्सा दे दो, बीइंग एज अ कोपासर मैं अपनी पार्टीशन क्लेम कर रही हूँ, तो यहाँ पर इसको 1/5 मिल जाएगा, क्योंकि कितने कोपासर हैं 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसको 1/5 शेयर मिल जाएगा, इसको 1/5 से निकाल दिया, ये इसका फिक्स हो गया, अब इसका फिक्स ही रहेगा। लेकिन दूसरों का फिक्स नहीं है, वो फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि वो अभी भी ज्वाइंट है, तो उनका अभी फ्लक्चुएशन होता रहेगा, जैसे उस किसी का बर्थ हो गया उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, किसी की डेथ हो गई तो उनका इंटरेस्ट जो शेयर है वो बढ़ता रहेगा। ये हमारा मिताक्षर स्कूल की सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनप्रेडिक्टेबल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट होता है, लेकिन यहाँ पे दयाभागा में वो कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होता, वो अनप्रेडिक्टेबल है ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही फादर है और हम दो बेटे हैं, उसकी डेथ होने के बाद हमें तो 50-50 मिलेगा, ठीक है जी। ये फिक्स है, आपको पता है कि तो मिलना ही मिलना है, बस उसकी हम लोग वेट कर रहे हैं कब वो पूरा हो जाए, उसके बाद हमें पता ही प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, यहाँ पर फिक्स है आपका। नेक्स्ट मिताक्षरा की हम लोग बात करें तो यहां पर राइट ऑफ पार्टीशन है, बीइंग एज अ कोपार्टनर यू हैव अ राइट टू आस्क फॉर द पार्टीशन, आप कर्ता को जब मर्जी कह सकते हो कि अभी भी मुझे पार्टीशन जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। तो यहां पर सिर्फ जो पार्टीशन का राइट है वो सिर्फ कोपार्टनर के लिए ही है, कोपार्टनर के अलावा मीन्स फादर सन 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 सन, इनके अलावा कोई भी पर्सन पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकता। ये जो राइट है मीन 2000 के बाद तो डॉटर भी आ गई, तो इंक्लूडिंग सन एंड डॉटर बीइंग एज अ कोपार्टनर दे कैन क्लेम फॉर पार्टीशन, वो पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं एट एनी टाइम, ठीक है जी। जब तक कोपार्टनरशिप का कंसेप्ट जिंदा है मिताक्षरा स्कूल में, तब तक आप जब मर्जी आप अपनी शेयर को कह सकते कि मुझे शेयर मेरा दे दो, तो आप पार्टीशन जब मर्जी क्लेम कर सकते। लेकिन यहां पर पार्टीशन का कंसेप्ट नहीं है दयाभागा में, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पार्टीशन इन दयाभागा, क्योंकि जब तक फादर जिंदा है आप क्लेम ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट आस्क द फादर कि भाई मेरा शेयर दे दो, वो कहेगा ठीक है मैं मर जाऊंगा तो प्रॉपर्टी तेरी है, वरना नहीं, भूल जा, ठीक है। कोपार्टनरशिप जो कोपार्टनर का कंसेप्ट है वो दयाभागा में है ही नहीं है, वो सिर्फ कहां पे है मिताक्षरा में। ओनली दिस स्कूल हैज अ कंसेप्ट ऑफ मिताक्षरा, द प्योर कंसेप्ट ऑफ मिताक्षरा, दिस इज अ प्योर कंसेप्ट ऑफ मिताक्षरा। जो कोपार्टनर है दीज फोर पर्सन दीज फोर जनरेशन दे आर कोपार्टनर एंड ओनली दीज जनरेशन दे हैव अ राइट टू क्लेम फॉर पार्टीशन। Although their interests are fluctuating, interest जो fluctuate करता रहता है वो अलग बात है, जैसे ही वो co-person हुए उनका right by birth हो गया उस property पे, और उनकी जो है वो property है उनको वो enjoy कर सकते हैं, वो उनकी possession में रहेगी। ये जो एक खासियत है, these are the basically characteristic of the मिताक्षरा school, और मैंने इसको साथ साथ में आपको दयाभागा का distinguish भी बता दिया मैंने, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज कर लेना, ठीक है जी। दूसरी बात अगर हम बात करें कि जो मिताक्षरा की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हिंदू जॉइंट फैमिली है उसी में हम लोग मिताक्षरा कर रहे हैं, उसी में हम लोग दयाभागा कर रहे हैं। तो जो हिंदू जॉइंट फैमिली है उसके रिगार्डिंग अगर मिताक्षरा स्कूल की बात करें, तो जो डिपेंडेंट्स हैं, मैं कोपासन की बात नहीं कर रहा, जो डिपेंडेंट्स हैं तो उनका तो राइट है उस प्रॉपर्टी पे, राइट नहीं है लेकिन उस फैमिली में उनको एज ए राइट है कि वो आपसे एक मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और अगर वो डॉटर है तो वो अपना शेयर तो लेगी लेगी, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द फादर, अगर वो शेयर नहीं लेगी तो आप उसकी मैरिज का पूरे एक्सपेंसेस आपको पे करने पड़ेंगे उस डॉटर के, ठीक है जी। तो मैरिज के एक्सपेंसेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। ये जो है बेसिकली मिताक्षरा दयाभागा का कंसेप्ट है जो क्लियर कट है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि जो पार्टीशन हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे पार्टीशन करेंगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, ठीक है। यहाँ पर एक बात और कह दूं मैं कि कोपासन का जो कंसेप्ट है, जो राइट ऑफ पार्टीशन की हम लोग बात करें, लास्ट राइट ऑफ पार्टीशन की,
ये जो राइट है ये अगर कोई इनसेन को पर्सनल हुआ इनसेन तो क्या होगा इन रिगार्डिंग विद इनसेन अगर कोई को पर्सनल पागल हुआ तो डेफिनेटली पागल जो पर्सन है उसको कोई राइट नहीं है कि वो पार्टीशन क्लेम कर सके क्योंकि वो पागल है इसलिए उसको हमने राइट नहीं दिया कि पार्टीशन लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे जो को पर्सन है वो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो खत्म कर देंगे अगर दूसरे पर्सन पार्टीशन क्लेम कर रहे हैं तो इसका जो राइट है इंसेन पर्सन का उसका रिजर्व रखना पड़ेगा लाइक सपोज ये जो ग्राफ है एफ के अकॉर्डिंग चार बच्चे हैं उसके जो एस है सपोज वो इंसेन है और यहां पर एस वन एस टू ने और डी ने क्या कहा फादर को कि हमें तो पार्टीशन क्लेम करनी है पार्टीशन हमें कर दो हमारी प्रॉपर्टी हमें दे दो तो बचा कौन एस बस एस सिर्फ एस ही बचा बाकी उन्होंने जो पार्टीशन क्लेम कर ली अब जब फादर पार्टीशन करेगा तो जो एस है जो इंसेन पर्सन है उसका हिस्सा भी रखा जाएगा तो कितने हिस्सों में डिवाइड होगी प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4 और 5 तो 5 हिस्सों में वो डिवाइड होगी ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ठीक है जी अब दूसरा जो है इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है इलेजिटिमेट चाइल्ड तो इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है वो को पर्सन भी हो सकता ठीक है जी तो यहां पर बेसिकली हम एज ऑलवेज बीइंग रिगार्डेड एज ए मेंबर ऑफ द प्यूटेटिव फादर क्योंकि जो जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है चाहे वो जो प्यूटेटिव फादर है प्यूटेटिव फादर जो है उसकी फैमिली का वो मेंबर जरूर हो सकता है क्योंकि उसका फादर जो स्टेप फादर है उसकी फैमिली का मेंबर हो सकता है वो को पर्सन नहीं हो सकता ठीक है जी सो उसका राइट है कि उसको मेंटेन किया जाए बट ही इज नॉट अ को पर्सनर ही इज नॉट अ को पर्सनर दिस इज इंपॉर्टेंट इलेजिटिमेट सन इज नॉट अ को पर्सनर ऑल्दो ही हैज अ राइट ऑफ मेंटेनेंस इन द प्यूटेटिव फादर्स फैमिली इनसेन को पर्सनर ऑल्दो ही हैज नो राइट ऑफ पार्टीशन बट इफ पार्टीशन टुक प्लेस Then his share must be reserved. उसका जो share है उसको रिजर्व रखना ही पड़ेगा ठीक है जी Now जो important further हम लोग बात कर रहे हैं ये मिताक्षरा दयाभाग है ठीक है जी जो मिताक्षरा है या हम मिताक्षरा की रिगार्डिंग बोलवाते हैं मिताक्षरा में हम प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ठीक है जी तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं
तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कि जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट भी हो सकती है। मिताक्षरा में क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो कैसे क्लासिफाई किया जा रहा है मिताक्षरा में, तो फर्स्ट जो पॉइंट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है जी। जो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है वो सारी कोपार्सन का बाय बर्थ राइट है, ये एग्जैक्टली हमने किया हुआ है, ठीक है जी, क्योंकि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। अब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो कोपार्सन का राइट होगा, और इसी का राइट तो हो नहीं सकता। तो कोपार्सन मीन्स कौन है, फादर सन 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 एंड सन सन सन, ठीक है जी, फादर एंड हिज थ्री लीगल डिसेंडेंट, उनका बाय बर्थ राइट है, तो उनके लिए वो कोपार्सन है और उस प्रॉपर्टी को वो इंजॉय कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज अप्रतिबंधा दया, अप्रतिबंधा दया मीन्स उसको अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज भी कहते हैं, अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज मीन्स अनऑब्स्ट्रक्टेड वी कैन से कि जहां पर हिंड्रेंस नहीं है, जहां पर आपके लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी मिलेगी। वो जो कंसेप्ट है वो बेसिकली प्योर कंसेप्ट है कोपार्टनरशिप का। तो यहां पर जो ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी और अप्रतिबंधा वो सेम है, मीन्स फादर सन 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 सन, इनको तो प्रॉपर्टी मिलनी है, ये इनका तो बाय बर्थ राइट है, ये है अनऑब्स्ट्रक्टेड, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जैसे आपने बर्थ लिया आपका राइट है, ये अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज है, मींस जैसे ही सन ने बर्थ लिया उसका राइट है उस प्रॉपर्टी पे, इसके राइट को कोई रोक नहीं सकता। एस ने जन्म लिया तो इसका जो राइट है वो प्योर राइट है, ट्रिपल एस ने जन्म लिया तो इसका राइट जो है अनऑब्स्ट्रक्टेड है, फादर उसके राइट को रोक नहीं सकता, उसको प्रॉपर्टी मिलनी ही मिलनी है, ठीक है जी, ये कोपार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट सप्रतिबंधा दया, सप्रतिबंधा दया मतलब जो ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज में फॉल करती है, मींस ऑब्स्ट्रक्शन है, ये डायरेक्ट कोपार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट में ही फॉल करती है। कोपार्टनर के अलावा अगर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, कोपार्टनर के अलावा, यहां पर तो फादर की डेथ के, यहां पर तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अप्रतिबंधा दया में आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ रही है, दादे के बाद हमारा राइट है जी, फादर की डेथ हो गई, दादे की डेथ हो गई तो राइट मेरा है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मुझे ही मिलना है। यहां पर जो है सप्रतिबंधा दया में हमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, हमने दूसरे रिश्तों जो हमारे दूसरे रिलेटिव्स हैं, हमारे दूसरे रिश्ते रिलेशंस हैं, वहां से प्रॉपर्टी हमें मिल रही है मदर के साइड से, ठीक है, वो बेसिकली है। सपोज यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मदर जो है बेसिकली उनका जो मटर्नल आंट्स वगैरह जो अंकल है वो है ही नहीं है, ना मासी है ना मामा है, दोनों नहीं है, तो जैसे नाना नानी की डेथ होगी तो वो प्रॉपर्टी आपके मदर को मिलेगी और वो प्रॉपर्टी मदर के बाद आपको मिलेगी, ठीक है जी, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन है, मींस वो मरेगा तो मिलेगी अदरवाइज नहीं मिलेगी, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए हम लोग वर्ड यूज करें ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, सप्रतिबंधा दया, जो बेसिकली सप्रतिबंधा का दया का सिंपल सा मतलब है, जो प्रॉपर्टी थ्रू कोपार्टनर नहीं आ रही, जो प्रॉपर्टी थ्रू एंसेस्ट्रल नहीं आ रही वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल नहीं है, पहली बात तो ये बात लो। दूसरी बात, ये जो सप्रतिबंधा दया है वो दूसरे रिलेशन से आ रही है, लाइक सपोज दूसरे रिलेशन कौन से आ गए, अंकल आ गया, ब्रदर आ गया, नेफ्यू आ गया, ये सारे चाचे की डेथ होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है, अगर चाचे की डेथ होती है उसकी उसके डेथ के बाद हमें प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि उसके बेटा नहीं है, तो जब तक वो जिंदा है तो हम लोग क्लेम कर नहीं सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर कोपार्सन में क्या है, वो उनका बाय बर्थ राइट है, वो जब मर्जी क्लेम कर सकते हैं, यहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए वो क्या है अप्रतिबंधा दया है। जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गई, मींस फादर के सपोज चाचा की, अगर चाचा के नाम पे प्रॉपर्टी है तो वो जब तक जिंदा है तो हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं आ सकती, मींस ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी डेथ होगी तो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी। सेम वे अगर हम बात करें कि जो हमारे मटर्नल आंट्स के पास प्रॉपर्टी, जो सपोज अंकल नहीं है ना, जो मटर्नल अंकल जो मटर्नल आंट नहीं है, नाना नानी है, उनकी डेथ होने के बाद प्रॉपर्टी मदर को आएगी, मदर की डेथ होने के बाद प्रॉपर्टी हमें आएगी, तो वो ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, जब तक उनकी डेथ नहीं होती प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलेगी, ठीक है जी, ये है बेसिकली सप्रतिबंधा दया, वी कॉल्ड आल्सो ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज,
ठीक है जी। प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन गिफ्ट, गिफ्ट आपको गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी, तो उसकी इंटेंशन देखी जाएगी कि वो सेल्फ है या कोपासर। फादर ने आपको गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी कि ये जो गिफ्ट मैं आपको कर रहा हूं तो ये आप तीनों में बांट लेना, तो वो तो कॉमन आ गई। वो इंटेंशन देखी जाएगी गिफ्ट करने के पीछे इंटेंशन क्या है। अगर फादर की इंटेंशन है कि मैं गिफ्ट कर रहा हूं लेकिन वो कोपासर ही रहेगी प्रॉपर्टी, तो वो कोपासर वो ज्वाइंट ही रहेगी, अभी वो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कभी भी नहीं होती। अदरवाइज एज ए जनरल रूल कि जब आपको गिफ्ट कर दी तो वो आपकी सेल्फ प्रॉपर्टी है, वो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है जी। फॉर द सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी वो सेपरेट ही है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है जी, वो कभी भी नहीं हो सकती। तो जब तक आप जिंदा हो प्रॉपर्टी आपके पास है, आज उसको मर्जी गिफ्ट कर दो, उसको डिसॉल्व कर दो, जो मर्जी करो, आपके पास फुल राइट है। तो ये मिताक्षरा में हमने क्लासिफिकेशन किए हैं प्रॉपर्टी की, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए काफ़ी। ठीक है जी, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पर जो हमने गिफ्ट का किया था प्रोसेस, यहाँ पे प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन गिफ्ट, यहाँ पर दो के सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अरुण चलम वर्सेस मुरुगंथा, ये केस है जी। क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो क्वेश्चन ऑफ वेदर इट वुड बी आर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंशन ऑफ द फादर। कोर्ट ने कहा कि इंटेंशन ऑफ द फादर जिसने गिफ्ट किया है प्रॉपर्टी, अगर वो कंडीशन लगा रहता है उसमें गिफ्ट करने के, जब गिफ्ट कर रहा है कि वो मैं प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर रहा हूं लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इसको इंजॉय आप सब करोगे, तो वो आपकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है जी, ये इस केस में हेल्ड किया था, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिया कि जो प्रॉपर्टी रिसीव कर रहे हो इन गिफ्ट एज ए जनरल रूल क्या है, एज ए जनरल रूल वो आपकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर फादर ने एट द टाइम ऑफ गिफ्ट एक कंडीशन ऐड कर दी तो बात खत्म। ठीक है, अगर उन्होंने कंडीशन ऐड कर दी वो आपकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है जी, दूसरा जो केस है इस केस में, आर कुपाई वर्सेस राजा गोंडर, एक केस है जी। इस केस में सिंपल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि फादर कैन गिव एंसेस्ट्रल इमोर्टल प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर। फादर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे सकता है डॉटर को विद इन द रीजनेबल लिमिट आउट ऑफ 11 इंफेक्शन, क्योंकि जो डॉटर है उसको फादर गिफ्ट कर सकता है प्रॉपर्टी जब मर्जी। ठीक है जी, तो जैसे क्योंकि फादर की अगर वो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो अगर वो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ गिफ्ट करना चाहता है डॉटर को तो वो कर सकता है। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसका जो सारा कंसेप्ट है वो कर्ता के बेस पे है। ठीक है जी, जब हम पार्टीशन करेंगे तब उसका भी कंसेप्ट सामने आएगा। जो कर्ता है बेसिकली वो पूरी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को टेक केयर करता है, पूरी जो हिंदू जॉइंट फैमिली है उसका कर्ता धर्ता कौन है, कर्ता है, तो कर्ता ही बेसिकली सब कुछ देखता है। और कर्ता इन केस ऑफ नेसेसिटी अगर कोई कोई चीज किसी को देता है तो वो बाउंड होती है सारे दूसरे फैमिली मेंबर्स पर। ठीक है जी, वो बाउंड होती है। तो यहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट ने कहा कि अगर फादर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को डॉटर को गिफ्ट कर रहा है तो वो जो डॉटर को गिफ्ट कर रहा है वो डॉटर की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है।
ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट आज का जो लेक्चर सिर्फ इसी पे था, मिताक्षरा क्या है, दयाभागा क्या है स्कूल, ठीक है जी। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, कि कितने टाइप्स में जो प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन की गई है मिताक्षरा में, इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है जी, वो हमने कर लिया आज। तो इस केस में अगर कोई डाउट हुआ तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके लिए जरूरी है। तो जो अगला लेक्चर वो हम लोग पार्टीशन का है, ठीक है, इसलिए आपको ये कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप लोग पार्टीशन के वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।